हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न है जो मैंने एक साल पहले आज से वीडियो डाली थी कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं 1000 रुपये से। तो इस पे बहुत सारी कमेंट्स है जहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, उसी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है और जो कमेंट्स हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएँ। और आने वाले टाइम पर मैं और अपडेट इस पर वीडियो डालूंगा कैसे आप 1000 रुपये से, 10000 रुपये से, 1 लाख रुपये से आप अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग होती है, 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, 10000 रुपये से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कमेंट्स थी जिसपे लोगों का डाउट्स आ रहा था। कोई बोल रहा है 20 रुपये चार्ज लग रहा है पर ऑर्डर, कोई बोल रहा है 40 रुपये पर ऑर्डर चार्ज लग रहा है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, और जो वीडियो डाली गई थी आप ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए डाली गई थी जो मार्केट में अभी नए आए हैं, जो मार्केट में कुछ सीखना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि मार्केट वर्किंग कैसे करता है। क्योंकि 1000 रुपये से कोई अच्छा पैसा नहीं बनता, आप वहाँ पे टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ ना से सही आप वहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्या उसमें चार्जेस लगते हैं, वो वहाँ पे सीख सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये रहा, ये आपका एक साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, इस पर अच्छे खासे कमेंट्स आ रखे हैं और लोगों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो उन कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। तो जैसे इसमें पहले कुछ कमेंट्स हैं मैं बताता हूँ। ब्रोकर चार्जेस इज़ 150 3 बाय सेल, आपने टोटल 116 अन करा। तो इसमें मैंने 116 अन करा है, ठीक है, जो कि इसमें मैंने 3 ट्रेड्स ली थी। और कुछ लोग यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न है सबकी कि यहाँ पे इंट्राडे में 20 रुपये का ऑर्डर चार्जेस लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 20 रुपये चार्जेस नहीं लग रहा। अगर आप ज़ीरोधा के कैलकुलेटर में जाओगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी ये 47 या 46 के आसपास यहाँ पे आ रहा होगा, ये आपका बसता है। जो आप बता रहे हो कि 20 रुपये पर ऑर्डर आपका जो चार्ज लगता है, वो मेरे भाई आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में लगता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, आप अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लगता है 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज, ना कि इंटर ट्रेडिंग में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उस पर जाइए, उसका सीधा ब्रोकर कैलकुलेटर खोलिए, वहाँ पर अपनी आप बाय क्वांटिटी डालिए, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है, और रेट डालिए कितने रेट पर आपने बाय करा है, कितने रेट पर सेल करा है, तो आपका वहाँ पे दिखा देगा कि कितना आपका GST लग रहा है, कितना आपका अदर टैक्सेस वहाँ पे लग रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जैसे कि आपको क्लिप में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप ज़ीरोधा के अलावा कोई सा भी यूज़ करते हैं तो आप सिंपल गूगल पर जाइए, जैसे एंजल ब्रोकिंग P&L कैलकुलेटर आप डालेंगे, वहाँ पर जाके आप चेक करिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो कमेंट में जाके। और एक का आया था, कैन यू मेड वीडियो निफ्टी बैंक फॉर मिनिमम अमाउंट। तो भाई मिनिमम अमाउंट के लिए आप 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम की जो वैल्यू जाती है लो हो जाती है, ठीक है। विच प्लेटफॉर्म यू यूज़ फॉर ट्रेडिंग लाइक दिस? तो भाई जो मैंने इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करा है वो है आपका ज़ीरोधा, बेस्ट ब्रोकर है, बेस्ट इंटरफेस है। तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी जाइए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ इसमें जो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न मैंने देखा गया है, चार्जेस के ऊपर ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि आपका चार्जेस कितना लग रहा है। तो भाइयों मैं यह बताना चाहता हूँ, चार्जेस को लेके कंपनी ने जो भी डीमेट वाले होते हैं उन्होंने अपना P&L कैलकुलेटर बना रखा है। आप जो भी बाय करते हैं, जो भी सेल करते हैं, और जो भी उसमें चार्जेस लगते हैं वो आपको सिंपल दिखाई दे जाता है, जैसे मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया। तो आप जाइए, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं सर्च मारिए और वहाँ जाके आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे डिजिटल ट्रेडर अतुल पे एक मैंने वीडियो ऑथेंटिकली बना रखी है कि क्या चार्जेस लगते हैं ज़ीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में कैसे चार्जेस आप दे सकते हैं, कि आपको किस ट्रेड पर कितना चार्जेस लग रहा है, तो वो चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने हर कमेंट पर आप दे सकते हैं, हर कमेंट पर मैंने यहाँ पर रिप्लाई कर रखा, जितने भी कमेंट थे मैंने सबका रिप्लाई यहाँ पर दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और कुछ लोगों का अर्थ है टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हम मेंबरशिप भी दे रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए डिजिटल ट्रेडर अतुल, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप पर भी आपको जुड़ जाना है, नंबर आपको मेरे थंबनेल में दिख जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी आ रहा था कि भाई आपको इसमें लॉस भी हो रहा है, तो भाई जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप ट्रेड एज अ बिगिनर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 1000 रुपये से कोई 1000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप इससे बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकें, बहुत छोटा अमाउंट है लेकिन सीखने के लिए अच्छे है। और एक दो दिन में इस पर वीडियो भी आ जाएगी और मैं दिखाऊंगा कुछ 1000 रुपये से कितना आप कर सकते हैं, क्या उसमें प्रॉपर वीडियो मैं लाने वाला हूँ,
कि 1,000 रुपये से कितना आपका ब्रोकरेज लगेगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा, तो उसमें आपको तभी समझ में आएगा असली चीज़। और मैं आपके कमेंट पढ़ देता हूँ। तो मेन कैपिटल आपका जो बताया था मैंने, जो मेन आपका क्वेश्चन था यही था कि आपका कि चार्जेस की प्रॉब्लम कितनी आ रही है। तो सीधा उसका आंसर है, ब्रोकरेज पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए और आपको वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो 1,000 रुपये से मैंने आपको जैसे बताया, 1,000 रुपये से ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो बेसिकली आप छोटा छोटा अमाउंट 50 रुपये बुक करिए, कभी 30 रुपये बुक करिए, 100 रुपये तक आप 3-4 ट्रेड करिए, पहुँचा दीजिए, वहाँ से आपका ब्रोकर भी निकल जाएगा, ब्रोकरेज चार्जेस भी निकल जाएंगे और हो जाएगा बेसिकली। और अगर आप अभी तक ट्रेडिंग कर चुके हैं, मार्केट में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पे अब अमाउंट बढ़ाइए, 1,000 रुपये से 10,000 रुपये पाइए। अगर आप 10,000 रुपये आ चुके हैं, वहाँ पे आप ब्रेक इवन भी ला रहे हैं, प्रॉफिटेबल बन चुके हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा कुछ इंक्रीज़ करिए, 50,000 1,00,000 तक अपना ट्रेडिंग कैपिटल ले जाइए। क्योंकि भाई अगर आपको धंधा करना है तो धंधे के लिए चाहिए होता है कैपिटल, और कैपिटल जब आप लाओगे तभी आपको मार्केट का असली गेम समझ में आएगा। हम भी अभी मार्केट में काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हैं 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, अब भी बना रहा हूँ, रेगुलर बना रहा हूँ। मैं थोड़ा बीच में डीएक्टिवेट हो गया था, लेकिन अब आपकी वीडियो यहाँ पर रेगुलर आने वाली हैं। तो जो भी लोग सीखना चाह रहे हैं, करंटली आप जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आपके डाउट्स अब भी आ रहे हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। धन्यवाद।